नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तंत्र गुरु जी में। आज हम आप लोगों के साथ दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत दुर्लभ रत्न के बारे में बात करेंगे जिसकी सुंदरता भी आश्चर्यजनक है और इसका काम भी आश्चर्यजनक है। 20वीं सदी की एकमात्र नई खोज इस रत्न को कहा गया है और यह रंग बदलता है। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको किसी भी प्रकार के ज्योतिषी परामर्श की ज़रूरत हो, कुंडली मिलान करवाना हो, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, किसी शुभ मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या कोई भी रत्न उपरत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क जरूर करें, हमारी तरफ से आपकी पूरी सहायता होगी। तो दोस्तों, आज हम जिस खूबसूरत रत्न की बात कर रहे हैं उस रत्न का नाम है तंजा नाइट। सबसे पहले यह उपरत्न तंजानिया में पाया गया था, इसके लिए इसका नाम तंजा नाइट रखा गया या नीले से बैगनी रंग में पाया जाता है और इसे हम उपरत्न कहते हैं। इस उपरत्न को जब 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तब इसका हल्का पीला और भूरा रंग समाप्त हो जाता है और नीला रंग और अधिक गहरा हो जाता है। बैंगनी नीले रंग में यह उपरत्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पीले और भूरे रंग के तंजानाइट सस्ते होते हैं और यह जोसाइट समूह का उपरत्न है, इसलिए इसे नीला जोसाइट भी कहा जाता है। इस रत्न की सबसे बड़ी खासियत है यह अपना रंग बदलता है। जैसी रोशनी में इस उपरत्न को देखते हैं उसके अनुसार यह अपना रंग बदल देता है। दिन की रोशनी में इसका रंग अलग होगा और रात की रोशनी में इसका रंग अलग होगा। कृत्रिम रोशनी में भी इस रंग उपरत्न का रंग अलग होता है। रंग बदलने से उस उपरत्न की गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं आता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपरत्न है जो व्यक्ति की संचार क्षमता का विकास करता है और यह सच बोलने की क्षमता का बहुमुखी विकास करता है। धारणकर्ता के भीतर दया तथा करुणा की भावना को बढ़ावा देता है। आवश्यकता से अधिक सक्रिय मस्तिष्क को शांत करता है। ध्यान लगाने वाले व्यक्ति की चेतना को ऊंचा उठाने में यह उपरत्न बहुत ही सहायक है। इस उपरत्न का तत्व वायु तत्व है। यह धारणकर्ता की शक्ति का विकास करता है, प्रेम में वृद्धि करता है, बीमारियों से निजात दिलाने में सहायक है। यह उपरत्न शारीरिक तथा मानसिक विकास में सहायक होता है, पांचों इंद्रियों का विस्तार करता है। धारणकर्ता के शरीर में से जिंक को अवशोषित करता है, व्यक्ति के अंदर चेतना को पुनर्स्थापित करता है, विषाक्त पदार्थों की सफाई करता है, त्वचा संबंधित रोगों की भी रोकथाम करता है और इसकी चमक इतनी आकर्षक होती है कि यह लुभावना लगता है। यदि आप किसी के हाथ में या गले में इसे पहने हुए देखेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर आपको एक अलग ही आकर्षण महसूस होगा। इस रत्न को कोई भी धारण कर सकता है। इसके साथ ही कुछ लोग इसे शनि के रत्न को जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग इसे गुरु की राशि मीन या मंगल की राशि मेष राशि वालों के लिए उपयुक्त करते हैं। पर जहां तक इस रत्न के उपयोग करने की बात है तो इसे सभी के लिए उपयुक्त माना गया है। नौकरी एवं करियर में बदलाव की इच्छा रखने वाले तो इस रत्न का उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यह जातक के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है और उसमें आकर्षण शक्ति को उत्पन्न करता है। इस रत्न को किसी भी एक विशिष्ट ग्रह के साथ नहीं जोड़ा गया है। इस रत्न की उपयोगिता सभी के लिए अच्छी है और यह नकारात्मकता को दे ही नहीं सकता है, यह सिर्फ लाभ देगा। कभी भी इस रत्न को धारण करने से आपको हानि के बारे में सोचना नहीं है। मानसिक मजबूती बहुत ज़्यादा इससे मिलती है और कहा जाता है कि यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं और दवा काम नहीं कर रही है, यदि आप इस रत्न को धारण कर लिए तो वही दवा आपको लाभ देना चालू कर देगी। कई तरह से इसका उपयोग है। यदि किसी को माइग्रेन की शिकायत है, सिर दर्द की परेशानी है जो काफ़ी समय से लंबी चली आ रही, आराम नहीं हो रहा है, तो उनको ये रत्न ज़रूर धारण करना चाहिए।
दोस्तों, इस रत्न को यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे भी माध्यम से खरीद सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट के साथ आपको शुद्ध अच्छी क्वालिटी का रत्न उचित मूल्य पर मिलेगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।